हेलो गाइस, वेलकम टू आर सीबीएस ट्यूब। मैं भी किराज। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में एयरफोर्स और अदर एग्जाम से रिलेटेड कुछ जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डाले थे, ठीक है, और उसका रिप्लाई भी हमको बहुत अच्छा मिला था। जितने भी सब्सक्राइबर हैं उसमें से लगभग लोग देख लिए थे और पूरे देखे थे। इसका अर्थ ये हुआ कि रिस्पॉन्स मुझको अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को भी आप लोग अंत तक देखिएगा और जो भी फ्रेंड्स है उनके भी शेयर भी कर दीजिएगा, ओके। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है कि हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम जो है वह आधारित है, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है? तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका आंसर आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। हाइड्रोजन बम जो है वह नाभिकीय संलयन पे आधारित है। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज बनाई जाती है, जो सुरक्षा फ्यूज होती है जो कि घरों में लगा होता है वह किसकी बनाई जाती है? तो जो अच्छे क्वालिटी की होती है वह शीशा और टीन के मिश्र धातु होते हैं, ओके, शीशा और टीन के मिश्र धातु हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है उसके लिए सॉरी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है, किस तापमान पर जल का घनत्व अधिक होता है? तो इसका आंसर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ओके। 4 डिग्री सेल्सियस पे जल का घनत्व सबसे अधिक होता है, बट इसका वॉल्यूम जिसे आयतन बोला जाता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पे कम होता है, सबसे कम। ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कण का रेखीय प्रसार किसे उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है? ठोस कण का रेखीय प्रसार किससे उत्पन्न होता है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ से कि ऊष्मा प्रवाह की अवधि से होता है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। धातु से बाधित करने वाले कैथोड किरणें उत्पन्न होती है, कैथोड किरणें जो है वह किससे उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर आप यहां से देख सकते हैं, एक्स किरणें से ये उत्पन्न होती है। यहाँ पे सॉरी, एम्स लिखा गया है जबकि एक्स किरणें होती है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविकी का जनक कहा जाता है, जैविकी जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आप यहां से देख सकते हैं कि अरस्तु हो जाएगा, ओके। तो जो लोग भी नए हो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, और साथ में जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक जरूर करें, क्योंकि वही हमको और मोटिवेट करेगा, लाइक और आपका कमेंट है, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कही जाती है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कही जाती है? तो इसका आंसर जाति, जाति को ही वर्गीकरण का सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट है, एरेनकाइमा पाया जाता है, एरेनकाइमा जो है वह कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं कि यह जलीय पौधों में पाया जाता है, ओके फ्रेंड्स, ये जलीय पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए के अभाव में होता है, विटामिन ए के अभाव में कौन सी डिजीज होती है, कौन सा रोग होता है, ये बताना है। तो इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, रतौधी लिखा गया है, नाइट ब्लाइंडनेस, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मनु मिशन को क्या नाम दिया गया है, भारत में मून मिशन को क्या नाम दिया गया है, जो भारत के द्वारा मून मिशन चालू किया गया था, चंद्रमा मिशन, उसे क्या नाम दिया गया है? तो जो फर्स्ट वो था उसका चंद्रयान 1, और अभी हाल फिलहाल में चंद्रयान 2 भी भारत सरकार छोड़ने की तैयारी में है, जिसे कि जल्द ही अंतरिक्ष यान में भेजा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, चलिए, लीरा किस देश की मुद्रा थी, लीरा जो है वह किस देश की मुद्रा थी? तो यह इटली की मुद्रा थी, ओके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म करने पर जिप्सम बदल जाता है, गर्म करने पर जिप्सम, जो जिप्सम होता है उसे जब गर्म किया जाता है तो वह किस में बदल जाता है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस में यह बदल जाता है, ओके। नेक्स्ट है, अलमाती बांध किस नदी पे निर्मित है, अलमाती बांध किस नदी पे निर्मित है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, कृष्णा नदी पर, तो कृष्णा नदी पे अलमाती बांध निर्मित है, बना हुआ है। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, न्यूट्रॉन का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो इसका आंसर चैडविक लिखा गया है, ओके। नेक्स्ट है, सोडा में बुलबुले होते हैं, सोडा में बुलबुले होते हैं, सोडा जो होता है वह बुलबुले जब देता है, या जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं उसमें आप देखिएगा तो बुलबुले होते हैं, क्यों होता है? तो वह CO2 के कारण होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः होता है, जो गोबर गैस होता है वह उसमें कौन से गैस मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो इसका आंसर आप मीथेन बोल सकते हैं, ये एक हाइड्रोकार्बन है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कार्बन क्रेडिट शब्द किससे संबंधित है? कार्बन क्रेडिट शब्द किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आप देख सकते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा से ये संबंधित है। नेक्स्ट है, पौधों के पत्ता का, जो पौधों की पत्तियां होती है, का हरा रंग किस कारण से होता है? तो वह क्लोरोफिल के कारण होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, ये वो क्लोरोफिल के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताप को मापने वाले उपकरण को कहते हैं, ताप मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? तो ये आप नॉर्मली सभी लोग को पता होना चाहिए, उसे हम लोग थर्मामीटर बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान कितना होता है? सॉरी, यहाँ से शून्य लिखा गया है, जबकि शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है वह 7 होता है। ओके, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। यहाँ जो मेरे टाइपिंग मास्टर हैं उनसे मिस्टेक हो गई है। ओके, तो यहाँ पे इसका पीएच मान जो होता है शुद्ध जल का वह 7 होता है। कितना? तो 7 बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है, शुद्ध जल को अपद्रव से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शुद्ध जल को अपद्रव से अलग करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो वह आसवन, उसे हम लोग आसवन बोलते हैं। नेक्स्ट है, सेनाओं की सर्वोच्च सेनापति होते हैं, सेनाओं को जी है वह सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो इसका आंसर आप यहां से देख सकते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं वह सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी किसके अनुयायी थे? शिवाजी किसके अनुयायी थे? तो वह रामदास के अनुयायी थे। ओके, नेक्स्ट है, महानतम कुषाण शासक कौन था? तो वह कनिष्क थे। नेक्स्ट है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो वह दयानंद सरस्वती थे। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने ही आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, न्यायिक समीक्षा की धारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? तो वह अमेरिका, यूएसए के संविधान से ली गई है कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। अगर इसका अर्थ ये होगा कि अगर मान के चलिए कोर्ट कोई फैसला दिया है तो उस फैसला की फिर से समीक्षा कर सकती है। ओके, तो जो लोग भी नए हो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें, और जो पुराने लोग हैं वो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, और अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक ही मेरे लिए आपका मोटिवेशन और आपका जो इसके प्रति प्यार है वो है।